नमस्कार, मैं नीतिशन। राजधानी दिल्ली में जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है। ताजा मामला नरेला का है। नरेला थाना पुलिस की हॉकाई की टीम ने बीती रात एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ऑटो लिफ्टर इलाके में कई वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जिसके चलते नरेला हॉकाई की टीम ने बीती रात नरेला इलाके से ही इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इस आरोपी के ऊपर चोरी के कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। बीती रात नरेला थाना पुलिस की ओकाई की टीम ने बीती रात एक फिर से ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ऑटो लिफ्टिंग की गई बाइक पर नरेला इलाके में दाखिल हो रहा था, लेकिन नरेला थाना पुलिस की होकाई की टीम ने आरोपी को नरेला सिंगू बॉर्डर रोड सेक्टर A5 चौक के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी KTM बाइक पर सवार होकर नरेला इलाके में दाखिल हुआ था। आरोपी के पास से जो बाइक बरामद की गई है, वह बाइक 24 फरवरी को मालवी नगर थाना इलाके से चोरी की गई थी। यह आरोपी इलाके में ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में इस इलाके में दाखिल हुआ था, लेकिन आरोपी को वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान संदीप उर्फ बासी के रूप में हुई है। संदीप उर्फ बासी पर पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं नरेला थाना पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी संदीप से लगातार पूछताछ में जुटी है और यह पता लगाने में लगी है कि आरोपी संदीप ने इलाके में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।